good morning dear students how are you today i hope you all are fine at home welcome back to english class today we are going to start unit 8 stone soup in this lesson we will learn about understanding what we read question number c and d in the previous period we learned about remaining part of this lesson and understanding what we read I hope that what I explained to you in the previous period would have been well understood by me. Now, let's start. Open page number 66. Please take your pencil, read CW, and today's date 14 December 2020. Ready to read. Now, question number C. आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स अपने शब्दों में दें फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट हैड द सोल्जर्स टेकन अवे फ्रॉम द विलेज एंड द विलेजर्स सोल्जर ने गाँव और गाँव वालों से क्या लिया आंसर इज द सोल्जर्स हैड टेकन अवे ऑल फूड दे हैड प्लग द फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज दे हैड टेकन द ग्रेन्स फ्राम द फील्डस सोल्जर ने सारा फूड गाँव वालों से छीन लिया था दे हैड प्लग द फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज उन्होंने ट्रीज से फ्रूट्स को भी लूट लिया था तोड़ लिया था दे हैड टेकन द ग्रेन फ्रॉम द फील्ड्स उन्होंने खेतों से अनाज ले गए थे Now, question number two Which two adjectives in the story describe how big the pot was? Answer is enormous and huge. It means a very big in size. Now, question number three Why did the soldier want to make the soup in a big pot? Soldier ne. सूप को एक बड़े पॉट में क्यों बनाना चाहता था सो आंसर इज द सोल्जर वॉन्टेड टू मेक द सूप इन बिग पॉट बिकॉज ही वॉन्टेड एवरी विलेजर टू गेट सोल्जर एक बड़े पॉट में सूप बनाना चाहता था क्योंकि वो हर विलेजर्स को मतलब गांव के हर आदमी को वो कुछ सूप मिले इसलिए वो बड़े पॉट में सूप बनाना चाहता था क्वेश्चन नंबर फोर वाई वॉज देयर साइलेंस वाइल द विलेजर्स वर ईटिंग द सूप जब विलेजर्स सूप पी रहे थे तो वहाँ साइलेंस क्यों था सन्नाटा क्यों छा गया था द ओनली साउंड वर द स्लर्पिंग ऑफ द सूप बाय द पीपल सो देयर वॉज साइलेंस केवल आवाज लोगों के द्वारा सूप के पीने की थी मतलब जो आवाज आ रही थी वो सूप की पीने की आ रही थी हर कोई सूप का टेस्ट ले रहा था सो देयर वॉज साइलेंस इसीलिए वहाँ पे साइलेंस था सन्नाटा छा गया था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव वाई वॉज द स्टोन सूप सो डिलीशियस स्टोन सूप इतना डिलीशियस क्यों था आंसर इज द स्टोन सूप वॉज डिलीशियस बिकॉज इट वॉज मेड बाय एडिंग थिंग्स द विजर्स गेव द सोल्जर स्टोन का सूप डिलीशियस था क्योंकि इसमें चीज़ों को ऐड कर कर बनाया गया था जो कि विलेजर्स ने सोल्जर को डिलिशियस जो सूप बनने वाला था स्टोन का सूप उसमें कुछ चीजें ऐड करने के लिए उनको दिए थे क्वेश्चन नंबर सिक्स द सोल्जर टेल द विलेजर्स टू डू सोल्जर ने विलेजर्स को क्या करने को कहा द सोल्जर टोल द विलेजर्स डेट शेयरिंग एंड केयरिंग वुड कीप देम हैप्पी सोल्जर ने विलेजर्स को कहा कि शेयरिंग और केयरिंग करने से वो हमेशा खुश रहेंगे हैप्पी रहेंगे ओके डियर अंडरस्टूड एवरी वन नाउ क्वेश्चन नंबर डी आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो विथ एस शी ही दे डिड और नो, शी, ही, दे, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यस yes के साथ या नो no के साथ देना है ओके इट मीन्स यस शी डिड हाँ उसने किया देन नो शी डिडंट नहीं उसने नहीं किया इस टाइप का आपको इसके आंसर्स राइट डाउन करना है सो क्वेश्चन इज डिड द लेडी गिव द सोल्जर समथिंग टू इट क्या लेडी ने सोल्जर को खाने के लिए कुछ दिया सो आंसर इज नो शी डिडंट उसने नहीं दिया आप लोगों को पता है लेडी ने सोल्जर को क्या दिया था ओनली वॉटर ओके डियर नोटर्न योर पेज डिड द सोल्जर रियली वॉन्ट टू मेक स्टोन सुव फॉर द पीपल क्या सोल्जर रियली लोगों के लिए स्टोन सूप बनाना चाहते थे नो ही डिडंट वो सूप लोगों के लिए नहीं बट उनमें केयरिंग और शेयरिंग ये मैसेज स्प्रेड हो जाए इसलिए वो बनाना चाहता था ओके क्वेश्चन नंबर थ्री डिड द सोल्जर वॉन्ट टू मेक डिलीशियस सूप फॉर द पीपल यस ही डिड क्या सोल्जर ने लोगों के लिए डिलीशियस सूप बनाना चाहता था यस क्वेश्चन नंबर फोर डिड द पीपल हेल्प द सोल्जर टू मेक द सूप क्या लोगों ने सूप बनाने में सोल्जर की हेल्प की यस yes, दे डिड हा उन्होंने किया क्वेश्चन नंबर फाइव डिड द सोल्जर वॉन्ट द पीपल टू शेयर वॉट दे हैड विथ ईच अदर क्या सोल्जर चाहते थे कि लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें यस ही डिड हाँ उसने किया अंडरस्टूड एवरी वन यहाँ पे सिर्फ बेटा आपको एस शी डिड ही डिड दे डिड इसका मतलब है हाँ उसने किया हाँ उन्होंने किया इस टाइप का आपको आंसर से यहाँ पे लिखना था आंसर्स अगर पॉजिटिव है इट मीन्स यस में है तो एस शी डिड ही डिड दे डिड अगर आंसर नेगेटिव है इट मीन्स आंसर को आपको नो में लिखना है तो नो शी डिडंट नो ही डिडंट नो दे डिडंट ओके अंडरस्टूड एवरी वन नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी ओके बाय डियर टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ